1797 में आज ही के दिन दुनिया में पहली बार फ्रांस के आंद्रे जाक गैरनीरे ने पैराशूट लगाकर आसमान से नीचे आने का कारनामा कर दिखाया था। वह हाइड्रोजन गैस से भरे एक गुब्बारे में बैठे और पेरिस से 3200 फीट की ऊंचाई पर गए। वहां से वह अपने खुद के बनाए पैराशूट में सुरक्षित तरीके से नीचे आए। पैराशूट जैसी चीज की कल्पना लियोनार्डो द विंची अपने लेखन में बहुत पहले ही कर चुके थे। इसके अलावा फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री लुई सेबास्टियन लेरोनवा ने दो छातों का इस्तेमाल कर अपना एक पैराशूट बनाया और 1783 में उसे लेकर एक पेड़ से छलांग भी लगाई। लेकिन गैरनीरे पहले व्यक्ति थे जिसने ऐसा पैराशूट बनाया जो ऊंचाई से नीचे आते समय इंसान के गिरने की गति को धीमा करने में सफल था। साल 1802 में गैरनीरे ने इंग्लैंड में एक प्रदर्शनी के दौरान 8000 फीट की ऊंचाई से शानदार छलांग लगाई, जिसके बाद एक नए पैराशूट का परीक्षण करने की तैयारियों के दौरान ही एक गुब्बारा दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आज ही के दिन साल 1900 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां का जन्म हुआ था। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर करने वाले अशफाक उल्ला खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधार थे। काकोरी कांड के सिलसिले में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अशफाक उल्ला खां ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्हें षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा हुई। उनका हृदय बड़ा विशाल और विचार बड़े उदार थे। हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित संकीर्णता भरे भाव उनके हृदय में कभी नहीं आए। सबके साथ समव्यवहार करना उनका सहज स्वभाव था। कठिन परिश्रम, लगन, दृढ़ता, प्रसन्नता ये उनके स्वभाव के विशेष गुण थे। 1937 में आज ही के दिन भारत के मशहूर अभिनेता, निर्देशक, संवाद लेखक कादर खान का जन्म हुआ था। इनकी पहली फिल्म दाग थी जो साल 1973 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। कादर खान ने अपनी फिल्मी करियर में अब तक करीब 300 फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा वह हजार हिंदी व उर्दू फिल्मों के संवाद लेखक भी रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा फिल्में अभिनेता गोविंदा और निर्देशक डेविड धवन के साथ की है। उन्होंने दर्शकों को कभी अपनी कॉमेडी से गुदगुदाया तो कभी विलन बनकर लोगों को डराया। कादर खान जो भी भूमिका निभाते हैं उसमें उसी तरह रम जाते हैं। आज के दिन 1954 में बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक जीवनानंद दास का निधन हुआ था। जीवनानंद ऐसे बांग्ला कवि थे जिन्होंने कविता में वर्णात्मक शैली के स्थापत्य का सूत्रपात किया। उनके उपन्यास और कहानियां बांग्ला क्षेत्र के लोगों के बीच खास स्थान रखते हैं। उन्हें 1955 में मरणोपरांत श्रेष्ठ कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जीवनानंद दास की कविता ने रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला समाज की कई पीढ़ियों को चमत्कृत किया। उनकी कविता बनलता सेन तो मानो अनिवार्य रूप से कंठस्थ की जा रही है। आज के दिन साल 2008 में भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रयान प्रथम ने चांद का रुख किया था। चंद्रयान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्षयान प्रक्षेपण कार्यक्रम में यह 27वां उपक्रम था। इसका कार्यकाल 2 साल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को बीच में ही नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने पर इसे 30 अगस्त को बंद कर दिया गया। यह प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होकर वहां से रिमोट सेंसिंग के जरिए चित्र भेजे, जिसके बाद इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के अपने मून इंपैक्ट प्रोब ने लगाया था। इसरो के मुताबिक चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि चट्टानों की सतह के भीतर मौजूद है।